का आउटकम है दैट इज़ कॉल्ड द रेंडम वेरिएबल। अब इस रेंडम वेरिएबल को जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं एक्स वैल्यू से, ठीक है। तो इस एक्स वैल्यू से जो है वो हम रेंडम वेरिएबल को डिपेंड करते हैं, और हमें ये बात नहीं पता होता कि रेंडम वेरिएबल का आउटपुट क्या आने वाला है। इसीलिए इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए लास्ट टाइम मैंने आपको याद है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग जो है वो क्या नाम है फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस कर रही थी इसी इसी वेरिएबल को एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए, अगर हमारे पास एक होमोजीनियस आपके पास जो है वो एक होमोजीनियस कंडीशन है, मतलब ये कि आपके पास जो है वो एक सेम एक्सपेरिमेंट है जिस तरह आपके पास डिफरेंट मासेस की वैल्यू है, और उस पर हर मास के ऊपर आप डिफरेंट जो है हर मास का जो है वो आप क्या नाम है कोई ना कोई उस पर सर्टन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उसका आउटकम रिसीव कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि इसको हम क्या कहते हैं रेंडम वेरिएबल, लेकिन आप क्या है अंडर द होमोजीनियस कंडीशन। होमोजीनियस कंडीशन का मतलब है एक वैल्यू के अंदर, जैसे अगर मैं मास की वैल्यू ले रही हूँ तो मैं मास 1 ले रही हूँ, मास 1.5 ले रही हूँ, मास 2 ले रही हूँ, मास 3 ले रही हूँ, ठीक है। एकदम से ही मैं मास को छोड़ के जो वो किसी और जो है वो कंपोनेंट्स पे नहीं जा रहे, तो एक एक मतलब एक रेंज के दरमियान में ही मैं डिफरेंट वैल्यूज ले रही हूँ और उनका आउटकम जो है वो रिसीव कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड द रैंडम वेरिएबल, या फिर इस पूरे प्रोसीजर को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर जो अब आपके पास कुछ और नए कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, रैंडम वेरिएबल, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ आ गया। अब आते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। अभी लास्ट टाइम हमने जो प्रोबेबिलिटीज वगैरह को कॉन्सेप्ट देखा था जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास जो है वो देखें आप कोई भी हमारे पास एक बेसिक हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था कि फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो मैंने आपके सामने लास्ट टाइम दो अप्रोचेस डिफाइन की थी, एक थी ऑब्जेक्टिव एक थी सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था और वो फार्मूला क्या था फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, जिसकी हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी देखी थी। और उसके बाद दूसरा हमारे पास सब्जेक्टिव अप्रोच थी जिसके अंदर मैंने क्या कहा था कि आपकी पर्सनल जो है वो जजमेंट होगी जो पर्सन टू पर्सन वेरीज करेंगी, जिसके लिए मैंने आपको क्लाउडी एग्जांपल दी थी कि फॉर सपोज अगर आज मौसम क्लाउडी है तो मेरी अजम्पशन या मेरी जो है वो मतलब फॉरकास्टिंग क्या है कि मे बी आज रेन हो सकती है, या फिर कोई और दूसरा बंदा है वो अजम्प कर सकता है कि नहीं भाई आज रेन नहीं हो सकती मेरी अजम्पशन के हिसाब से। तो हर किसी की डिफरेंट प्रोबेबिलिटी या डिफरेंट फॉरकास्टिंग पावर होती है, तो सब्जेक्टिव अप्रोच जो प्रोबेबिलिटी की होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। और ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के अप्रोच के अंदर हमने कुछ सर्टन जो है वो फॉर्मूले स्टडी किए थे, उस फॉर्मूले स्टडी करने के बाद जो है वो हमने क्या किया था आपके साथ डिस्कशन की थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि स्टूडेंट आपसे ठीक है मैं एक मिनट चैट है, चैट के ऊपर एक स्टूडेंट ने कहा हमें स्लाइड शेयर कर दें, तो भाई ये एक स्लाइड जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ क्या नाम है आपके सीआर के ग्रुप में, तो ये प्लीज जरा स्टूडेंट से जो है वो शेयर कर लें, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट स्टूडेंट भेज रही हूँ मैं सीआर, आप लोग अपने अपने ग्रुप चेक करिएगा, इसके ऊपर मैंने स्लाइड शेयर कर रही हूँ आज की, तो काइंडली आप लोग जो है वो ये वाला जो आज की स्लाइड है वो अपने अपने मोबाइल में भी ओपन कर लें ताकि इतना ब्लर ना दिखे आप लोगों को, एक सेकेंड दें स्टूडेंट में भेज रही हूँ। एक मिनट स्टूडेंट, एक सेकेंड भेज रही हूँ। हाँ जी, ये मैंने भेज दी है और ये स्लाइड नंबर 4 मैंने स्टूडेंट भेज दी है, सीआर भेजिए यहाँ से ज़रा डाउनलोड कर दें, डाउनलोड करके इन लोगों को दे दें। यहाँ मॉर्निंग के स्टूडेंट्स मौजूद हैं कोई एक आध स्टूडेंट मॉर्निंग, तो क्या मतलब आपकी कोई और क्लास भी थी इस टाइमिंग पे? पता नहीं, अरीशा है यहाँ पे? यस मिस। अरीशा क्या मैसेज किया तुमने, इज नॉट पॉसिबल, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, क्या कह रही हो? मिस आपने बोला था ना कि इवनिंग की क्लास एक और लेनी है आपको, तो मैंने कहा अभी इस क्लास के बाद एक और ले लें हमारी। अच्छा, इस क्लास के बाद एक और ले लें, ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं क्या कह रही हो, एक तो इतने सारे तुम लोग सी आर हो, इतने सारे कि कोई 10-15 सी आर उस ग्रुप पे ऐड है, समझ नहीं आता मॉर्निंग कौन सा है, इवनिंग कौन सा है, गर्ल्स का कौन सा है, बॉयज का कौन सा है। चलो खैर, तुम लोगों के पास स्लाइड्स आ गई ना? यस मिस, मैंने शेयर कर दी। ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों दोनों सी आर जो है वो अपने अपने ग्रुप्स को सेंड कर दो, अपने अपने जो है वो स्टूडेंट को सेंड कर दो, वो चैट पे मैसेज कर रहे हैं प्राइवेटली। Thank you.
चलो भाई, अब मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आपको स्लाइड दे दी है, तो अब दूसरी बात ये कि अब जो है वो हमारे पास ये आपको रैंडम वेरिएबल, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। इसके बाद इससे पहले आपको अप्रोचेस भी बता दी थी। अब आज आपको क्या पढ़नी है, आज आपके पास जो एक नया कीवर्ड इंट्रोड्यूस है दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास एक नया कीवर्ड मौजूद है दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं और इसे किस तरह डिफाइन करते हैं? तो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो लास्ट टाइम एक अपने इंडिविजुअल वीडियोस देखे, मतलब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकालनी सीखी थी, ठीक है? इंडिविजुअल का मतलब, प्रोबेबिलिटीज का मतलब, फॉर एग्जांपल आपने एक सैम्पल स्पेस गिवन था, इसमें से मैंने पूछा कि भाई आप मुझे बताएं कि एटलीस्ट टू हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टू हेड अकर होने की प्रोबेबिलिटीज मुझे बता दें, जिसके अंदर कम से कम जो है वो टू हेड या फिर चलो वन हेड अकर होने की प्रोबेबिलिटी मुझे बता दो, ठीक है? तो आपने जो है वो, अगर इस तरीके से मैंने आपको कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा, तो आपने मुझे फौरन से निकाल के दे दिया कि भाई वन हेड या टू हेड की प्रोबेबिलिटी अगर होने की जो भी डिफाइंड होती है, फॉर सपोज अगर मैं वन हेड की बताती हूँ, तो वन हेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो फॉर सपोज यहाँ पे दो है, ये दो टाइम अक्कर हो रहा है, तो आपने क्या किया, इसके टोटल स्पेस 1 2 3 4 थे, टू है, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टू टाइम्स, क्योंकि टू टाइम्स जो है वो आ सकते हैं। तो ये क्या है, टू टाइम्स क्या है, फेवरेबल। अभी फेवरेबल को आपने क्या कर दिया, टोटल से डिवाइड कर दिया, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, आपने ये करके आपने जो है एक स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, ठीक है? अब स्पेसिफिक फाइंड आउट कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे अगर इसी तरीके से अब आपने स्पेसिफिक फाइंड आउट करके आपने मुझे इस तरीके से आंसर कर दिया, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये कहती है कि अब इसके अंदर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आप मुश्तमिल है, जिस तरह आप एक, अब फॉर एग्जांपल यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि सपोज करें एक एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट हो रहा है टॉसिंग ऑफ क्वाइन टू टाइम, द सैम्पल स्पेस, द पॉसिबल ऑफ आउटकम। अब इन्होंने कहा कि एक क्वाइन है वो टू टाइम टॉस्ड हो रहा है और उसका जो सैम्पल स्पेस है आउटकम का, वो ही आपके पास डिफाइंड है, ठीक है? ये सैंपल दो टाइम, टू कॉइन्स आप जो है वो टॉस्ट हो रहे थे और उसका सैंपल स्पेस इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है? अब इन्होंने कहा द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम इज नॉट न्यूमेरिकल क्वांटिटी, तो वी आर सपोज टू इंटरेस्ट इन द नंबर ऑफ हेड। अब इन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बता दें या इसके नंबर ऑफ क्वान्टिटीज मैं जानना चाहता हूँ, तो आप मुझे इसकी नंबर ऑफ क्वान्टिटीज जो इसके आउटकम की है, ये आप मुझे डिफाइन कर। तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि भाई हेड आने की, हेड यहाँ पे कितने टाइम से, टू टाइम, मतलब ये सिर्फ इस सैम्पल स्पेस की न्यूमेरिकल क्वांटिटीज के अंदर इंटरेस्टेड है। तो आपने बता दिया भाई टू हेड की न्यूमेरिकल क्वांटिटी क्या है, टू, एच वन हेड की, एक हेड की न्यूमेरिकल क्वांटिटी वन, सिर्फ हेड पे इंटरेस्टेड है, टेल पे नहीं है। इसकी हेड आने की क्वांटिटी कितनी है, वन, इसकी यहाँ पे कोई हेड नहीं है इसलिए इसकी क्वांटिटी क्या है, जीरो। तो ये आपने क्या करा कि ये आपने जो एक बताई हर सैंपल स्पेस से रिलेटेड, उसके जो हेड थे, हेड की क्वांटिटीज जो आपने बताई, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बता रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कि आप उसने तमाम उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी सैंपल स्पेस डिफाइन करने की, आपने उस सैंपल स्पेस डिफाइन करने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी, उस सबको क्या करा, एक टेबल की फॉर्म में जो है वो डिफाइन कर दिया कि भाई इसकी अक्रेंस जो है वो इतनी टाइम्स मौजूद है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। अब इसी तरीके से इसी बात को अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन, तो समझ आ गई कि हर सैंपल स्पेस से रिलेटेड उसकी क्वान्टिटीज को हमने मेजर कर दिया, और जितने भी सैंपल स्पेस गिवन थे, हर एक का सैंपल स्पेस आपने डिफाइन कर दिया। एक बात तो समझ आ गई कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आपने उसकी अक्रेंस या उसकी प्रोबेबिलिटी की अक्रेंस, जो भी वॉट एवर जो डिफाइन करने के लिए दी जाए, उसको आपने क्या करना होता है, टेबल की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। उसकी तमाम पॉसिबिलिटीज अगर टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से देखें, देयर आर टू, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपको जो है ये कुछ बातें यहाँ पे कॉमन मैंने लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने रैंडम वेरिएबल पढ़े थे, अब रैंडम वेरिएबल आपने जो है वो दो टाइप्स के पढ़ेंगे। अभी एक रैंडम वेरिएबल होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा रैंडम वेरिएबल होगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या फ़र्क होगा? डिस्क्रीट का मतलब है जो कि क्या होगा, होल नंबर होगा, सीधी सी बात है, डिस्क्रीट का मतलब ही क्या होते हैं, होल नंबर, और कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, एनी वैल्यू विद इन द रेंज या फिर गिवन इंटरवल, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो अब जब आप लोग पढ़ेंगे, उसमें आप लोग क्या करेंगे,
दो टाइप के जो है वो आप रेंडम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल, दूसरा पढ़ेंगे कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल। तो आज का जो आपके पास चैप्टर है वो क्या है, डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल का टॉपिक है। कि अब आपने जितने भी रेंडम वेरिएबल्स पढ़ने हैं वो सारे के सारे डिस्क्रीट पढ़ने हैं, ठीक है। अभी आपने कंटिन्यूस नहीं पढ़ना, नेक्स्ट के लेक्चर में आपको कंटिन्यूस से रिलेटेड बताऊंगी। अच्छा, आज आपने डिस्क्रीट को डिस्कस करना है, फिर आपके पास डिस्क्रीट से रिलेटेड ही आपके पास जो है वो दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे अभी तो मैंने सिंपली क्या किया कि सिर्फ हेड हेड लिया और उसकी काउंटिंग करके आपको बता दी। अब यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटीज नहीं बताई, सिंपल काउंट कर करके बताया, कोई किसी किस्म की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं लगाई। हाँ, अगर प्रोबेबिलिटी जब लगाती, जब मैं बोलती कि वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी, और या फिर टू टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी, अगर मैं इस तरह की कोई बात पूछती तब मैं कहती कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी तो सब मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन का कीवर्ड बताया। तो ये आपके पास क्या होता है, तो सबसे पहले अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर जाओगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टू टाइप्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएंगी। एक आएंगी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी कौन सी आएगी, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी आपने क्या करना है कि दो टाइप की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी होगी, एक पढ़नी होगी डिस्क्रीट टाइप की, दूसरी पढ़नी होगी कंटिन्यूस टाइप की। तो आज इस वक्त जो हम लोग तो आज के लेक्चर्स में जितना भी हमने डिस्कस करना है वो कितना करना है, डिस्क्रीट टाइप में। या फिर आज हम लोग डिस्कस शायद ना करें, नेक्स्ट लेक्चर में जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो कौन सी करेंगे, डिस्क्रीट टाइप की करेंगे। तो डिस्क्रीट टाइप की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या क्या आ जाती हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन, हाइपर जोमेट्रिक या फिर जोमेट्रिक, मल्टी पल्टीनोमियल, नेगेटिव बायनोमियल, और भी बहुत नई, अभी तो शायद ये बहुत मतलब कह सकते हो कि काफ़ी सारी तो ये बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं, और भी बहुत सारी नई डिस्ट्रीब्यूशंस भी जो है वो आ चुकी हैं जिनके नाम मैंने हाईलाइट नहीं किए, जिससे ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, वॉलबोल डिस्ट्रीब्यूशन से, और भी बहुत सारी न्यू डिस्ट्रीब्यूशंस भी आई हैं जो आप डिफाइन कर सकते हो अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। लेकिन मेजर डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको इतनी तो पता होनी चाहिए लाजमी। अब इसी तरह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की दूसरी टाइप भी होगी जो कि कंटिन्यूस पे होगी। जैसे आपके पास जो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होगा तो आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल गिवन है तो उसका मतलब है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल गिवन है तो उसका मतलब है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर आप पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे यूनिफॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और बाकी के काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपके इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर टाइम मिला तो जरूर समझा दूंगी आपको। तो अब आप लोगों ने इसकी फर्दर टाइप देख ली, रेंडम वेरिएबल देख लिया, रेंडम वेरिएबल की भी फर्दर टाइप देख ली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि आप हर चीज डिस्क्रीट के हिसाब से पढ़ोगे। एक बार डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल पढ़ोगे तो फिर डिस्क्रीट की ही तमाम डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ोगे। फिर दूसरी मरतबा आपने कंटिन्यूस को, अगर मैं आपको डिस्कस करूंगी कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल को, तो फिर मैं कंटिन्यूस की डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो ये काफी लंबा चौड़ा सा टॉपिक होगा, कम से कम भी 3 से 4 लेक्चर लगेंगे इसको खत्म होने में। तो बात को समझ के जो है वो आराम से आपने पढ़ना है। अब आ जाते हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल, जो कि मैंने आपको बताया डिस्क्रीट वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है, होल नंबर्स पे, ये उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। यही बातें मैंने स्टॉप मतलब समझे पॉइंट वाइज ये वाली जो बुक के 2 पेज आपको दिए हैं इसी को समराइज करके यहाँ पे पॉइंट वाइज जो है वो लिख दिया था, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है, ताकि मुझे भी समझाने में आसानी रहे। अब यही 2 बात लिखी हुई है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो होते हैं जो आपके इंटीजर वैल्यू लेते हैं, डेफिनेटली होल नंबर्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने कहा द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन सैंपल। अब सैंपल में जितने भी डिफेक्टिव आइटम हैं वो क्या होंगे, वो सारे के सारे होंगे डिस्क्रीट वेरिएबल, क्योंकि आपको पता है जो भी डिफेक्टिव आइटम है वो एक आइटम होगा, वो कभी कंटिन्यूस टाइप का तो हो ही नहीं सकता। अब डिफेक्टिव कितने होंगे, रेंडमली होंगे ना, हमें क्या पता, जब हम उसे टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा ना, आइदर हमने डिफेक्टिव उठाया। फॉर सपोज मेरे पास एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर मेरे पास बहुत सारे टीवी हैं। अब उस टीवी के अंदर मेरे हिसाब से वो सारे स्मार्ट टीवी सही है, अब मैंने जो देखा था उसके हिसाब से तो सही थे, लेकिन क्या हुआ जब मैंने उसकी टेस्टिंग की तो रेंडम मैंने एक एक करके टेस्टिंग करना शुरू किया, उसमें से एक आध उसमें से फॉर सपोज TV नंबर 3 डिफेक्ट निकला, TV नंबर 5 डिफेक्ट निकला, TV नंबर 7 डिफेक्ट निकला, TV नंबर 10 डिफेक्ट निकला।
अब क्या हुआ कि मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने रैंडम टेस्टिंग शुरू करी तो मुझे क्या पता चला कि अब मेरे रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट में कौन से होंगे, एक्स इज इक्वल टू वन, ये क्या है मेरे पास टीवी नंबर वन, मैंने इसे चेक किया आइदर इज डिफेक्टिव और नॉट, ये नहीं भाई डिफेक्टिव नहीं है इसे पास कर दो। फिर रैंडम नंबर टू, रैंडम नंबर टू के अंदर मैंने क्या डिफाइन किया, दूसरा रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिखा, पी ऑफ एक्स के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा टीवी नंबर वन, टीवी नंबर वन को भाई टेस्ट किया, टीवी नंबर को टेस्ट किया भाई डिफेक्टिव है या फिर नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है डिफेक्टिव है या फिर नॉन डिफेक्टिव है, इसमें से कोई एक नंबर तलाश करो, मैंने कहा नहीं भाई डिफेक्टिव नहीं है नॉन डिफेक्टिव है, चलो भाई पास हो गया। फिर मैंने कहा मेरे पास 1 से लेकर 10 तक के टीवी हैं, अब मैंने कहा भाई टीवी नंबर टू को कंसिडर करूंगी मैं, अब टीवी नंबर टू को मैंने कंसिडर किया, टीवी नंबर टू के अंदर भी मैंने टेस्टिंग परफॉर्म करी डिफेक्टिव की और नॉट डिफेक्टेड की, जब मैंने टेस्ट किया तो भाई मैंने जब रैंडमली टीवी नंबर टू निकाला तो वो डिफेक्टेड निकला। तो ये क्या है, ये वैल्यू है दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इसे कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, समझ आ रही है मेरी बात, क्योंकि ये ऐसे सैंपल्स या ऐसे पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहे हैं जिसकी वैल्यू विद इन इंटरवल डिफाइन नहीं की जा सकती, बात समझ आ रही है। इसके बाद अब आपके पास आ जाते हैं दूसरा पॉइंट, आपके पास क्या है सिंपली कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का, अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होंगे, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल्स होंगे जो विद इन अ रेंज डिफाइन किए जाए, विद इन अ रेंज का मतलब है सिंपली कंटिन्यूस की एग्जाम्पल अगर आपसे पूछूं तो हाइट ऑफ अ पर्सन, टेम्परेचर, ये सारी वेरिएबल्स क्या होते हैं डिस्क्रीट नहीं बल्कि कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। अब कंटिन्यूस वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशंस वो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगी, जब इसको प्रॉपर पूरा डिस्कस करना है तो फिर अभी इसे फर्दर डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अब आ जाते हैं हम प्रॉपर अपनी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, अभी तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन देखी आपने, अब आ जाते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ हर चीज की आप क्या पढ़ोगे, दो दो चीजें पढ़ोगे, तो अब आपने आज के लेक्चर में आपने जो पढ़ना है सारा डिस्क्रीट पे पढ़ना है। अब आ जाओ भाई डिस्क्रीट रैंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपके पास क्या है कि आपके पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स अ टेबल ग्राफ और फार्मूला शोइंग द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। अब ये देखो सिंपल इसमें क्या लिखा हुआ है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अभी अभी मैंने आपको टीवी वाली एग्जाम्पल बताई, अब आपको उम्मीद है कि एक्स के बारे में समझ आ गया होगा कि ये एक्स क्या है, ठीक है। अब आप उसे रिप्रेजेंट किस तरह कर सकते हो, रिप्रेजेंट आप करोगे उसे टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में या फॉर्मूले की फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें आप इन तीन मेथड के जरिए जो है वो अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को तीन तरीकों से डिफाइन किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन मैनर तीन होते हैं टेबल, ग्राफ और फॉर्मूला। शोइंग ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, जो क्या शो कर रहा होगा तमाम पॉसिबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, जैसे यहाँ पे था कि एक सैंपल स्पेस था 2 कॉइन का, इसकी तमाम पॉसिबिलिटीज यहाँ पे डिफाइंड थी, इसी तरह यहाँ पे तमाम पॉसिबिलिटीज डिफाइंड होंगी और विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, ये x1 x2 x3 क्या है, ये सारे नंबर ऑफ आइटम्स होंगे आपके और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है, फॉर सपोज मेरे पास 10 टीवीज थे तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फॉर सपोज हो गई भाई 1/5/10, तो ये क्या हुई डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब है हर नंबर के करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज भी डिफाइन की जाएंगी, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो अब इस ये डेफिनेशन अब मैं आपको बना के भी मतलब करके भी दिखाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अच्छा अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, दो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हर फंक्शन मतलब हर वैल्यू जो पी ऑफ एक्स की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू जीरो, आपको पता है प्रोबेबिलिटी हर फंक्शन की क्या होती है हमेशा जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, तो पहला डिस्क्रीट की प्रोबेबिलिटी में क्या आता है कि हर वैल्यू आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए हर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, और जब हम तमाम प्रोबेबिलिटी का सम करोगे तो वो हमेशा वन होना चाहिए, तो ये तो हमारे को सिंपल बात भी पता है लेकिन हम ये बात भी इसे प्रूफ करके आपको दिखाऊंगे, ठीक है। फिर है आपके पास फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को अच्छा दो कीवर्ड ना कसरत से इस्तेमाल किए जाएंगे इसके अंदर, एक इस्तेमाल होगा पी एम एफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पी एम एफ और दूसरा होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पी डी एफ, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स होंगे जो आपने हमेशा से याद रखने हैं भाई, एक है आपके पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन,
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को आप रिप्रेजेंट किससे करोगे, पी एम एफ से, ठीक है, पी एम एफ से आप रिप्रेजेंट करोगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये बात आप लिख के रख लें। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में आपको बता दिया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, पी एम एफ से। अच्छा अब आ जाते हैं इसके फॉर्म्स पे। अब इन फॉर्म को कितने रिप्रेजेंट में, मैंने आपको ये बताया टेबुलर फॉर्म में, फॉर्मूला और इक्वेशन फॉर्म में और ग्राफिक्स फॉर्म में। अब समझ कब आएगा, जब आपको प्रॉपर एक एग्जाम्पल करके दिखाई जाएगी। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल क्या है, वेरीफाई द पी एम एफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसे कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल को ही हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। यहाँ देखो यहाँ बात लिखी हुई है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स इज आल्सो कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और सिंपल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो कि मैंने पेन से लिख के दे दिया। ठीक है भाई, तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी को हमेशा याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से भी डिनोट किया जाता है। कल को ये वो कीवर्ड नहीं आया, सिंपल एक कीवर्ड आया तो आपको परेशानी होगी समझने में। ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, सिंपल ये देखो, इस तरह लिखेंगे पी, इस तरह लिखेंगे एम और इस तरह लिखेंगे एफ। अच्छा अब इन्होंने क्या कहा, दूसरी एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल क्या है, वेरीफाई द पी एम एफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को वेरीफाई करें। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी की, वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि हर वैल्यू, हर प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, और हर प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए, वन। चले एक देखते हैं क्वेश्चन, चेक वेदर द फंक्शन इज गिवन, इन्होंने एक फंक्शन आपको गिवन कर दिया। अच्छा और आपके पास कुछ रैंडम वेरिएबल्स देती हैं, कैन सर्व एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये सर्व हो रहा है एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब इन्होंने बता दिया कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं और एज अ क्या हो रहा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब पी एम एफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात हो रही है। तो अच्छा अब इन्होंने बता दी भाई एफ ऑफ एक्स जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, तो अब आप क्या करें, सिंपल इस एक्स की जगह पे ये सारे पॉइंट्स डाल दें। अब आपने क्या करा, एफ ऑफ एक्स वन पे मालूम करा, मतलब इस फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, सबसे पहले वन वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी। जब आपने यहाँ पे वन प्लस टू किया डिवाइडेड बाई 25 किया तो आंसर क्या आया, 3/25। ठीक है, अब आपके पास ये प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले चेक करें, एफ ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन जीरो है, यस है, ये ग्रेटर देन जीरो है ना, बिल्कुल बिल्कुल है भाई। अच्छा दूसरी चीज चेक करें, दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास, टू, अब टू आपने यहाँ पे सब्सिट्यूट करा, टू प्लस टू फोर, फोर डिवाइडेड बाई 25, चेक करें क्या ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो है, बिल्कुल है। फिर सब्सिट्यूट किया थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव डिवाइडेड बाई 25, ग्रेटर देन है भाई जीरो से, बिल्कुल है। फिर आपने क्या किया फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स 25, ग्रेटर देन है, बिल्कुल है। फिर फाइव प्लस टू डाला, 5 प्लस 2 7, 7 डिवाइडेड बाय 25, ग्रेटर देन है, बिल्कुल है। तो क्या हो गया, सिंस दिस ऑल वैल्यू आर नॉन नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन 0, तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि समीशन ऑफ एफ एक्स आई इज इक्वल्स टू 1, क्या आप इन सब के सम करेंगे अगर वो 1 के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। आपने क्या किया, इन सब की वैल्यू को लिया 3/5, 4/5, 3/5, इन सब की प्रोबेबिलिटीज को सम कर लिया। सम करने के बाद देखा आंसर 1 आया, द सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाई, इसका मतलब है गिविंग फंक्शन कैन सर्व एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और पी एम एफ ऑफ अ रेंडम वेरिएबल हैविंग द रेंज ऑफ दिस। तो बात समझ आई कि आहिस्ते आहिस्ते करके इसकी वर्डिंग्स, इनके कीवर्ड्स को याद करना शुरू कर दें, वरना इनके कीवर्ड्स के अंदर आप लोग परेशान हो जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसे कहते हैं, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। इस तरीके के चार इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो पी एम एफ को पहली फुर्सत में याद करने की कोशिश कर लें कि भाई पी एम एफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये वेरीफाई कर लिया आपने प्रॉपर्टी। अब वेरिफिकेशन के बाद आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था, अब हमारे पास कितनी, मैंने कहा था कि पहली आपने प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली, ठीक है भाई ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है कि नहीं, प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। फिर दूसरी चीज अब आपने क्या करनी है, अब देखना है कितनी फॉर्म थी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। मैंने आपको कहा था टेबुलर फॉर्म से, फॉर्मूला फॉर्म से, ग्राफिक फॉर्म से, तीन फॉर्म से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जरा इस एग्जाम्पल पे करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल गिविंग है, सपोज एन अनबाइज कॉइन इज टॉस थ्री टाइम।
अब इन्होंने आप आपको कहा कि एक अनबाइस जो है वो क्वाइन है जिसको टॉस किया है आपने 3 टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब इन्होंने कहा आपसे कि अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। अब इन्होंने सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए नहीं कही जैसे आप लोग लास्ट टाइम करते चले जा रहे थे, इस बार आपको क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो, और किसके फाइंड करो, रेंडम वेरिएबल। इन्होंने क्या बता दिया, रेंडम वेरिएबल बता दिया कि नंबर ऑफ हेड्स जो है वो है आपका रेंडम वेरिएबल। अब इन्होंने कहा पहला तरीका है कि आप हमें टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके दिखाएं, दूसरा फॉर्मूले फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके दिखाएं, तीसरा ग्राफिक फॉर्म में भी हमें रिप्रेजेंट करके दिखाएं। तो चलो पहला टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। टेबुलर फॉर्म के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, सैम्पल स्पेस ड्रॉ करना। सैम्पल स्पेस ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला काम है, ठीक है। तो आपके पास सिंपल क्या है, 3 कॉइन है, 3 कॉइन को 3 टाइम उसे टॉस किया है, उसका मतलब है कॉइन की 2 पॉसिबिलिटीज होती है, हेड और टेल। तो 2 पॉसिबिलिटीज डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 8। अब यहाँ पे लगा है परम्यूटेशन। अब ये सब बातें मैं आपको कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन की एक एक ईच एक एग्जाम्पल कर करके सारे केसेस बता चुकी थी। अब यहाँ पे आपने सिंपली आपने फॉर्मूला यूज करते हुए क्या किया, सैंपल स्पेस के लिए फाइंड कर लिया, सैंपल स्पेस के तमाम फॉर्मूले फाइंड कर लिए कि भाई 3 बार है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स टेल, इस तरह सारे सैंपल स्पेस बना ले, ऑल पॉसिबिलिटीज बना दी, ठीक है। अब रेंडम वेरिएबल उन्होंने क्या कहा, रेंडम वेरिएबल एक्स क्या कहा उन्होंने कि नंबर ऑफ हेड चाहिए उनको, सिर्फ नंबर ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटीज चाहिए। अब आप ये बताएं इसमें नंबर ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटीज क्या क्या आ सकती हैं, या तो कहीं पे कोई हेड नहीं आएगा जिस तरह यहाँ पे तीनों टेल है मतलब 0 हेड, फिर या तो 1 हेड आएगा, या तो फिर इस पूरे के अंदर मुझे 2 हेड चक्कर दिख रहे हैं, या तो फिर इस पूरे के अंदर 3 हेड चक्कर दिख रहे हैं। तो ये 3 आपके पास जो है वो पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, हेड डिफाइन कर सकते हो। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही हैं कि 0 हेड भी हो सकता है, 1 हेड भी हो सकता है, 3 हेड भी हो सकते हैं। सैंपल स्पेस पे मुझे नंबर ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी दिख रही है 0, 1, 2 एंड 3। तो मैंने एक्स नंबर क्या सेलेक्ट कर लिए, 0, 1, 2 एंड 3। अब एक एक करके आप क्या करें, इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करें, एक एक करके प्रोबेबिलिटीज फाइंड करें। सबसे पहले आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए कहीं पे अगर ये फंक्शन ऑफ 0 भी लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी आप प्रोबेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं। तो कहीं पे अगर इस तरीके से पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो भी आप किसकी बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की ही बात हो रही है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0, इसका मतलब है कोई है एक्स नहीं है वहां पे, कोई हेड नहीं है, नो हेड, नीचे लिख भी दिया मैंने नो हेड, कोई हेड नहीं है। तो नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखें, यहाँ पे 3 हेड है, यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड है, यहाँ 1, 1, 1, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे कोई हेड नहीं है। तो आपने क्या किया, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितने 8, फेवरेबल कितना मिला 1, 1/8 लिख दिया। फिर आपने दूसरा रैंडम वेरिएबल सेलेक्ट किया 1 का सेलेक्ट किया, तो देखिए 1 टाइम हेड कहाँ कहाँ अक्कर हुआ है भाई, 1 यहाँ हुआ है, 1, 2, 1 टाइम हेड कितने टाइम्स अकर हुए हैं, 1, 1, 2 एंड 3, 3 टाइम्स जो है वो आपके पास एक एक हेड अकर हुआ है। तो फेवरेबल कितने हो गए, 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय 8। फिर अब कितना है आपको चेक करना है, एक्स हेड की वैल्यू 2 चेक करनी है। अब 2 पे आए, 2 हेड कितने टाइम्स अकर हुए, 1, 2 एंड 3, 2 टाइम्स भी 3 टाइम्स अकर हुए, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। फिर दोबारा चेक करें 3 हेड कितने टाइम्स अकर हुआ है, ओनली 1 टाइम 3 हेड अकर हुआ है। तो आपने क्या किया, ओनली 1 टाइम 3 हेड अकर कर दिया। तो ये आपके पास जो है वो 3 प्रोबेबिलिटीज आ गई। तो ये आपने क्या किया कि ये आपने टेबुलर फॉर्म में जो है वो डिफाइन कर लिया। अब आपने एक एक करके प्रोबेबिलिटी बना ली, अब आप इसे टेबुलर फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो टेबुलर फॉर्म आप इस तरह डिफाइन करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज टेबुलर फॉर्म जिसमें आपने एक्स रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, एक्स रैंडम वेरिएबल कितने थे 0, 1, 2, 3, और उसकी फंक्शनल प्रोबेबिलिटी क्या थी, प्रोबेबिलिटी उसकी वैल्यू क्या थी, 1/8, 0 की क्या है, 0 की प्रोबेबिलिटी है 1/8, 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/3, 2 की प्रोबेबिलिटी है 3/8, 3 की प्रोबेबिलिटी है 1/8, ठीक है।
अब आपने सबसे पहले से चेक कर लिया कंडीशन से कि अगर हम इसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कह रहे हैं तो क्या ये दो प्रॉपर्टीज पे आता है, हर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है, आपने चेक कर ली हाँ भाई हर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है। दूसरा ये कि आप इन सब का सम करें क्या वो वन के बराबर आ रहा है, अगर वो आ रहा होगा तो आप ये कहेंगे कि हिंस द अबव फंक्शन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया टेबुलर फॉर्म में। तो यही बात यहाँ पे आपको डिस्क्रीट में कही थी, यहाँ पे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी में यही बात आपसे कही थी कि रैंडम वेरिएबल एक्स होते विद देयर कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डिफाइन की जाती है, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पे भी आपने वैसे ही बिल्कुल डिफाइन किया कि रैंडम वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग देयर प्रोबेबिलिटीज, और फिर वो क्या कर रहे हैं डिफाइंड हो रहे हैं दोनों और उसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसी की दूसरी फॉर्म क्या है, फॉर्मूला फॉर्म। फॉर्मूला फॉर्म का मतलब क्या है कि आप सिंपल क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए उसे कैलकुलेट करेंगे। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना ऑलरेडी आपको अच्छे से आता है, किस तरह लगाएंगे, सिलेक्शन करना है आपने जीरो हेड की, जीरो हेड की सिलेक्शन का मतलब है थ्री जीरो, टोटल का टोटल हेड्स कितने हैं आपके पास, टोटल जीरो वन टू थ्री, फिर आपने जीरो सेलेक्ट किया, फिर वन सेलेक्ट किया, फिर टू सेलेक्ट किया, तो ये तो सिंपल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो आपको लगाना आता है। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये आपकी फॉर्मूला फॉर्म आ गई। तो जनरल फार्मूला आपके पास क्या बनता है, जनरल फार्मूला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री सी एक्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय एट। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो सिंपल आपके पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था, ये तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको सब्सटीट्यूट करना आता है। अच्छा, तीसरी फॉर्म है ग्राफिकल फॉर्म, ये मैं आपको समझा देती हूँ ग्राफिकल फॉर्म किस तरह होती है। नीचे आपने सबसे पहले क्या करना है, तीन तीन आपके जो है वो अपने सारे रेंडम वेरिएबल डिफाइन करने हैं। रेंडम वेरिएबल आपके पास क्या आते हैं, जीरो वन टू एंड थ्री, थ्री रेंडम वेरिएबल्स मौजूद थे, आपने तीन रेंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अब इसके यहाँ पे आपने जो वाई एक्सिस है यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, यहाँ पे आपने क्या करनी है, इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। अब इनकी जो प्रोबेबिलिटीज फाइंड होंगी वो आपके पास क्या क्या मौजूद है, इनकी प्रोबेबिलिटीज के अंदर आपके पास कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले देखिए, पहली प्रोबेबिलिटी में क्या आ गई, वन बाई एट, थ्री बाई एट, थ्री बाई एट एंड वन बाई एट। तो अब आप यहाँ पे स्केलिंग कर लें, आपको पता है वन बाई एट से आपकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है और थ्री बाई एट पे आपकी एंड हो रही है, तो आप इसी तरीके से जो है वो उसकी थ्री बाई एट, वन बाई एट जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने सब